ओए ओए इस तरह कूर कूर के क्या देखता है? मैंने मैंने तेरे हिस्से की जमीन अलाट करा ली है। मैं आपसे पूछने आया हूं भाई साहब, क्या अब हमने सियासत कर दी है, पंग पीनी है के अमीरन के बुए पे जाना है? ओए तू ममा लगता है मेरा, तू ममा लगता है मेरा। सच्ची बात है भाई साहब, शहर में मुझे इतना नुकसान दुश्मनों से नहीं हुआ जितना आपकी मेहरबानियों ने कर दिया है। ओए मुबारक, जीभ को दांतों में संभालो, नहीं तो खिंच के तली पे रख दूंगा। मेरी जुबान खिंचने से बोलना बंद नहीं होगा हुकम साहब, बार मेरे वोटर आपको पंगी कहने लगे हैं। तेरे वोटरों की ऐसी की तैसी। ये पिंड नहीं है भाई साहब, जहां लोग हुकम का नाम सुनकर डर जाते हैं, पंग पिए तो राह छोड़ देते हैं, अमीरन के घर देखकर आंखें बंद कर लेते हैं। यहां मैं चराग का पुत्र अमीरन के घर जाएगा तो लोग कहेंगे तमाशबीन आ गया, पंग पिएगा तो बोलेंगे पंगी आ गया। ओए मुबारक, लो जी, मैं आपको एक जरूरी इतला देने आया हूं, मतलब इंफॉर्मेशन। वो अपना बाली है ना, समझो अपने हाथ से गया। बाली कौन? सनम जान के घर रिहायश रख ली होगी उसने। और नहीं जोरा साहिबा, अपनी हमशीरा के घर। चलो पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। मतलब अच्छा हुआ। ओए अब वो पलट के तेरे घर नहीं आएगा। मान ले जोरा के बाली अब बड़ा आदमी बन गया। तू दुआ कर कि वो आदमी बन जाए। और चार दिनों में अंग्रेजी बोलने लगेगा, आदमी तो समझ बन गया। तेरी भी जज्जी मत मारी गई है। एक बात तुझे बता दूं जोरा, अगर वो डिफेंस की गलियों में टर गया ना तो हाथ मलते रह जाना तूने। मैं हाथ मल के धो के साफ कर चुकी हूं। चाय पिएगा? मतलब नहीं। बहुसा बन गया। कौन कौन? मतलब मुझसे पूछ रहे हो कौन? ओए मौजू, मैं मौजू
मौजूद है थे। मौज कर। ऐनक उतार, आंखों से ऐनक उतार। ऐनक इसलिए पहनी है कि उतारनी नहीं। हट हट हट। एक बात याद रखना बाली, अगर तू मुझे नहीं पहचानेगा तो तुझे भी कोई नहीं पहचानेगा। चल रहने दे। सिर्फ ये बता दे मुबारक, सिर्फ ये पता करके बता दे कि चपेड़ मार के गया कहां है। जाएगा कहां अब्बा जी? भंग पीने क्या अमरीजन के बुए पर? अरे मुझे मुझे ठीक ठीक पता करके ठिकाना बता, ये ना बता के या भंग पीने और या अमीरन के बुए पे, ठीक ठीक बता। फर्ज करें भंग पीने गया फिर? तो फिर ये उसकी जिंदगी का आखिरी प्याला है पुत्र जी। रहने दे बाजी, उसकी शक्ल देखकर आपका आधा गुस्सा उतर जाता है। आज पुत्र जी बचा हुआ आधा गुस्सा ही काफी है। क्या करेंगे आप? चपेट मारेंगे उसके मुंह पर? मुझे खिज न चढ़ा मुबारक, मुझे खिंच ना चढ़ा। ये ना हो कि उसको चपेड़ मारने से पहले मैं तेरे मुंह पे चपेड़ मार दूं ताकि समझ रहे। जा जाके पता कर, पंगी भंग पी रहा है कि गाना सुन रहा है। ले भाई पंगिया, अपने मुंह को पेश की सेका देके रख, अब्बा जी की चपेट तेरा पीछा कर रही है पुत्र। एक बात पूछूं मेरे साथ? अमीरन में क्या कम है कि उसके होते हुए भी जोरा दिखाई देती है? मुझे तो अल्लाह जानता है तेरी आवाज में भी उसकी आवाज सुनाई देती है। परी है क्या? जादूगरनी है। कोई जादूगरनी है यार। आंखों में आंखें डाल कर देखे तो टूना कर देती है। जादूगरों से इश्क महंगा पड़ता है हुकुम साहब। इश्क सस्ता कम ही नहीं है अमीरन, इश्क सस्ता कम नहीं है। दीदार के बदले में खून के अथरू देने पड़ते हैं। कोई बात करने के लिए चुप के अजाब सड़े पड़ते हैं और दिल के बदले में जान देनी पड़ती है। बदबख्त है जोरा, कोई किसी से इतनी मोहब्बत करे तो अमीरन जैसी लड़की दिल सीने से निकालकर आशिक के पैरों में रखते। और लालच ना दे,
लालच ना दे। दिल निकाल के जोरा के पैरों में रखा है। दिल वालों में यही तो बुराई है फिर साहब, अपना दिल अपने पास रहने नहीं देते। अब बुराई दिल वालों में नहीं है, दिल में है। शोदा शोदा सब है सब, लख दुध प्याओ डंग मारे मारे, डंग मारे मारे। किधर किधर मेहर साहब? ओए सांप के डंग में तड़फाई ज्यादा होती है, कब्रिस्तान में जाके सुकून के चार घुट पी के आऊंगा। अब कहीं जा रहा हूं, खबरें फिराना हो कि ना हो, जाते हुए दिल ने कहा कि तेरी शक्ल देखता जाऊं। फोटो ले जा मेरी, ला दूं तेरे घर में। मेरी फोटो नहीं है सोरा, तू क्या करेगी? तुझे मेरी मुसीबत का नहीं पता, मेरी नजरों के सामने रहता है तू, इसलिए तो कहती हूं जा, तंग ना कर बाली। बड़े हौसले हैं तेरे, हर वरी मुंह पर के जाने का कह देती है मुझे, वह मुझसे तो गुस्सा करके भी जाया नहीं जाता। यही तो फर्क है बाली, मुझे खबर थी कि मुझे रुकना कहाँ है, तुम्हें तो पता नहीं कि तुमने जाना किधर है। जाने का पता नहीं जोरा, पर दिल कहता है जिंदा रहा तो मुड़ कर आना यही है। इसी बात का रोना है बाली कि तुझे पता है कि तुमने जिंदा नहीं रहना। ओए जोरा, जिंदा रहने की गारंटी दूं तो मन जाएगी? पर जिंदा रहने की गारंटी तो किसी के पास नहीं होती। अपनी डंप लगाया हुआ पिस्तौल फेंक, माथे की त्यूरिया बदल, नजर झुका के चल, जिंदा रहने का हुनर खुद ही आ जाएगा।
चल रहन दे। शहर छोड़ के तो नहीं चला गया? कौन? वही जो अब घर नहीं आता, बुआ खड़का के अंदर आने की इजाजत नहीं मांगता। एक बात बताओ अम्मा, अगर वो भूलकर आ भी गया ना तो घर के अंदर नहीं आएगा। मैं डरती हूँ जोरा तुझे कहीं बद्दुआ ना दे दे। अम्मा किसी को बाली की भी बद्दुआ लग सकती है। तौबा कर तौबा कर, कानों को हाथ लगा जोरा, तुझे नहीं पता जो लोग तौबा करते हैं अल्लाह उनके कितने करीब होता है, नेड़े होके सुनता है उनकी। चल रहने दे। समझना तुमसे मिलने आया हूं, अपनी खाला रहती है यहां। तो फिर अंदर आना। अंदर नहीं आना। क्यों? यहां खाला की बेटी रहती है, अंदर आने से मना करती है। अंदर आ मेरा पुत्र, अंदर आ। खाला की बेटी को खाला की मां नहीं है। देख ले खाला, तेरा हुक्म है इसलिए अंदर पैर रखने लगा हूं। सोना लग रहा है मेरा पुत्र। इसे बोल दे खाला मुझ पर हसे ना। तू ऐनक तो उतार पुत्र। ऐनक नहीं उतारनी। क्यों पुत्र, ऐनक क्यों नहीं उतारनी? यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं खाला जिनको मैं देखना नहीं चाहता। इसे कह दे अम्मा, इसे भी कोई नहीं देखना चाहता। मेरे मुंह ना लग, खाला से मुलाकात करने दे। कपड़े बदलने से कपड़ों के अंदर का आदमी नहीं बदलता। अब तेरी तरह तो मुझे बदलना नहीं आता। बैठ पुत्र, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती। ना खाला। क्यों, चाय नहीं पीनी? चाय तो पीनी है पर
पर तुझे चाय बनानी कहाँ आती है खाला? जोरा जा, तू जाके चाय बना। इसे पूछ अम्मा, मेरे हाथ की चाय पिएगा? इसे कह दे खाला, बाली अब तेरा हुक्म नहीं टालता। खाला, ओ खाला, ले किसके वस डालकर चली गई है मुझे। जिसकी शक्ल ही देखना चाहता उसके हाथ की चाय क्यों पीता? मेरे मुंह ना लाग। सच्ची बात तो ये है बाली, मुंह तो मेरे तू आके लगता है। रब ने भी बस तेरी शक्ल पे गौर फरमाया है, जबान पुट्ठी दी है तुझे। अल्लाह जानता है हम दोनों की जबान एक ही मिट्टी की। चाय पी, खाला के घर में बैठ के मौजे कर। क्या लग रहा है? क्या लग रहा हूं? जेंटलमैन। अमेरिका से आया है। ओए, सब लोग तेरी तरह नस के अमेरिका नहीं चले जाते। नस के नहीं यार, छोड़ के, अपनी दुनिया छोड़ कर गया था। अमेरिका जाके पता चला अपनी सारी चीजें तो अपने देश में, चीजों के नाम बता। एक तो वही ब्लास्टर ऑफ पेरिस की गुड़िया है जिसे तूने कई बार तोड़ा और मैंने कई बार छोड़ा है। वो गुड़िया 100 बार टूटे 100 बार जुड़े गुड़िया, गुड़िया बाली की है। गुड़िया बाली की है तो बाली से कहो, बार बार गुड़िया तोड़ने से इस तरह भी टूट सकती है कि बाबू भी उसे जोड़ ना सके। चल रण दे। Thank you.
अशके भाई अशके, हुक्म ध्यान में हो तो अब्बा जी की पहचान नहीं रहती। मेरी शक्ल देखकर तुझे किसी पंगी तमाशबीन की फोटो नजर नहीं आती? इल्मो, फौजे, इल्मो बार मेरे शिकरों की चपेड़े खाके साढ़े पांच का पाड़ा याद कर रहा है, और फौजा पसपा होके बाजार नस गया। कोई तीजा है तो आवाज मार, मुझे भी कसुंद मारने का बड़ा ही शौक है। किससे मिलना है आपको? ये वाना सीधा सवाल, तू हुक्म को पेश कर। अल्लाह ने चाह तो मुझे देखते ही कहेगा अब्बा जी आप। तो आप हुक्म के अब्बा जी हैं? जनाब, हुक्म तो यहां नहीं है। नहीं है तो आ जाएगा। पंग पी के घर का रास्ता भूलने वाले आखिर यही मिलते हैं, और मेरी आदत है, अल्लाह जानता है, जब तक आखिर ना हो जाए मैं सिर पे पहुंचता नहीं। तो आप उसे वहां क्यों नहीं ढूंढते जहां वो बैठा भंग पी रहा है? और शोदा भंग कब्रिस्तान जाके पीता है और वहां नसने के रास्ते पड़े। या तो इक्को एक भुआ है, या आया ना तो नस के जाने नहीं पाएगा। मुझे नहीं मालूम आप क्या कह रहे हैं। मुझे मालूम है मैं क्या कह रहा हूं। चलो लुक के खलो जाओ, सब आने वाला है। ये जबरदस्ती है, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। आप पुलिस को ना बुलाई, पुलिस आएगी तो हुक्म के साथ तू भी जाएगी। और तुझे अपने घर का चैन पसंद नहीं है? ओ लम्मे जाए बच्चे के पावे लेके आ, और नान तिलों वाले हुक्म के वालद साहब आए, कहां तशरीफ रखे। आइए तशरीफ रखिए। सूट बूट में देखा था उसे, क्या लग रहा था? सच्ची बात है, अच्छा लग रहा था। अच्छा भी लगे तो अंदर से वो पूरा बाली है। मैंने तुम्हें कभी से इतनी नफरत करते नहीं देखा। पता है बाबू इतनी नफरत क्यों है मुझे? कभी मैं उससे इतनी मोहब्बत कर बैठी थी,
कैसा है मौजू? कौन मौजू? गुस्सा कर गया यार। गुस्सा तो लगता है, तू कर गया? ओए, ओए वो तो जिगर मैंने मोहब्बत में कहा था। मोहब्बत में कोई ये कहता है? कौन हो तुम? सच कहूं मौजू, आजकल लोग मोहब्बत में यही कहते हैं कि कौन हो तुम। दारी और गाने का दौर चल रहा है? हाँ, आपको अब्बा जी यहां आने की क्या जरूरत थी? ऐशावशे भाई हुक्मा। क्यों पुत्र जी, मैं इलाका गैर में आ गया। आप अब्बा जी हवेली पहुंचे, मैं हवेली पहुंचता हूं। ना जी पुत्र जी, ना पहुंचने वाली कहानी अब मुक गई है। ओए अब तो अब्बा जी बजाते खुद पहुंच गए थे। सिद्धी तरह कहे ना के बिस्ती करने आए। अल्लाह भाई बकरे को छुरी नजर आ गई है। कोई ख्याल करे अब्बा जी, पुरानी कहावत है कि पुत्र को प्यो की जूती पूरी आ जाए तो उसकी परे बाजार में बिस्ती नहीं करते। मां पुत्र जी ये कहावत बहुत पुरानी हो गई है। इतनी पुरानी कहावत बुढ़े बंदे को कहां याद रहती है। अब बेटा नई कहावत है, और नई कहावत ये है कि नवी जुती पाके पुत्र के पीछे जाओ और जाके उससे कहो कि जुती लाए। पुरानी जुती लथ जाए तो ठीक है, वरना नवी जुती ला के मार मार के उसका सिर कौला कर दो। तो फिर सिर नीवा करूं? ना हुकम साहब ना, आप सिर नीवा ना करें सरकार। आज तो मेरी मर्जी है, मेरी च्वाइस। वो अंग्रेज कहते हैं ना कि द प्लेजर इज एंटायरली माइन। मैंने होरे कौन कौन सी था पुत्र जी नीवी करानी? आपको पता नहीं अब्बा जी, आप कोई गलती करने वाले हैं। मैंने कोई एक गलती करनी है? मैंने तो पुत्र जी आज गलतियां करते चले जाने लभी। तब तक गलती करनी है जब तक तेरा दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। दिमाग ठीक करना ना अब्बा जी, तो जोरा के बुवे पे जाके उसकी मां से हुक्म के लिए जोरा को मांगे। आप
आप पुत्र जी ये दुआ मांगे कि आपको दोबारा सोरा के दरवाजे पे जाना नसीब हो जाए। मैं किसी के घर में खड़ा हूं बाजी, उसका इलाज कर ले। मुबारक, तेरी चपेड़ खा के घर बैठा है, तूने उसका लिहाज किया? तो उसने भेजा है आपको? ओए, उसने किसने भेजा है? उसने भेजा है, किसने भेजा है? और तुझे पुरानी कहावतें तो याद आती हैं, उसकी जुती का नंबर नजर नहीं आता? वद वद के बकवास करेगा तो चपेड़ ही मारूंगा उसके मुंह पर। तू वद वद के बकवास करेगा तो चपेड़ ही खाएगा। आपने अच्छा नहीं किया बाजी। पत्नी ना कर, तलाक बोलता है। ये डराग मैं 315 फिल्मों में सुन चुका हूं, और मैं पुत्र जी आपको दूसरा लपड़ मार के ये बताने लगा हूं कि मैंने अच्छा ही किया है। बदतमीजी करता है, बदतमीजी करता। अब तुझे छोटे बड्डे की तमीज नहीं रही, और हमें अपनी इसको अपनी सोफे के पीछे भी आई, निकाल इसको बाहर। अब तेरे से कोई छोटा है तो तेरे से कोई बड़ा भी है। इधर ला इसको मेरे पास, इधर आ। तुझे ख्याल नहीं रहा है? मैं पुत्र नवी कुंडी का आर्डर दे के आया, मैंने तो आज पान देनी है तेरी पसलियां, तेरी बखियां तोड़ के जाऊंगा।